ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर पार्टी मजबूत होगी। ट्विटर, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पर जो रिएक्शन आए हैं उसको कलेक्टिव करके हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं और 65% लोग कह रहे हैं हाँ इससे पार्टी मजबूत होगी और 35% लोग कहते हैं कि नहीं। इनमें वो लोग भी हैं जो ज्यादा राजनीति को नहीं समझते हैं। लक्ष्मीकांत पारिक, जब ये हमारा सर्वे तो है नहीं सर, जनता के रिएक्शन है, वो कहते हैं कि हाँ इससे पार्टी मजबूत तो होगी। अब पार्टी मजबूत होगी तो जाहिर है टक्कर लेने में भी मजा आएगा बीजेपी को, तो फिर इतने हल्के में क्यों लेते हैं सर? देखिए, पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत पार्टी होगी, मजबूर पार्टी होगी, ये तो तय करें। राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कांग्रेस की मजबूरी है या उनका उत्साह है ये तय करें, क्योंकि कांग्रेस के पास दूसरा विकल्प नहीं है गांधी परिवार के अलावा, इसलिए मजबूर अध्यक्ष के रूप में उनको प्रस्तावित कर रहे हैं। मजबूत नहीं, मजबूर अध्यक्ष के रूप प्रस्तावित करें, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। देखिए, फहरिस्ट लंबी है, यदि इंदिरा गांधी बात से लेकर के नीचे तक आते आते बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार एकमात्र इनका दर्शाव लगता है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस रह नहीं सकती। अब मेरे फाजिल दोस्त ने प्रश्न उठाया था कि 80 में आप चुनाव हार गए, 2 रह गए थे, हम इससे इनकार नहीं करते मेरे दोस्त। एक 100 साल पुरानी कांग्रेस, एक अंग्रेज द्वारा स्थापित कांग्रेस, खंड खंड में विभक्त हो चुकी कांग्रेस, आई बन चुकी कांग्रेस, उस कांग्रेस का ग्राफ कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने परम वैभव की ओर लौट रही, परम वैभव की ओर चल रही है। हम 2 से चले थे लेकिन हम कहां पहुंच गए ये देखें, और आप कहां थे, आप राजीव गांधी के समय आपकी स्थिति कहां थी और आज आप कहां हैं, ये भी आपका आकलन कर लें। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ इससे ऊपर ही जाएगा चुनाव में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठने वाली पार्टी, लगातार भारतीय जनता पार्टी परचम आप बांध के चलना, गुजरात हिमाचल प्रदेश का चुनाव राहुल गांधी की पूरी ताकत लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली तय है। ठीक है, आजा जी, आपका अंतिम रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जनता अगर ये कह रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद मजबूत होगी, वो तो कांग्रेस खुद भी मान रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक कार्यकर्ता के तौर पर बताएं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के बाद वो कौन से बदलाव करने चाहिए कि तेजी से वो आगे बढ़े। विजेंद्र जी, मैं किसी हाइपोथेटिकल का क्वेश्चन का जवाब वैसे नहीं देता हूँ, बात नहीं करता हूँ। जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बहुमत है, शायद ये भूल जाते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा बहुमत जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के पास रहा है। ये एक विचारधारा वाला परिवार है, इसलिए पूरे देश की जनता, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। सर ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि उनका वक्त चल रहा है, वो कह सकते हैं। बिल्कुल, उनका वक्त चल रहा है, वो कह सकते हैं। सर, एक दौर आपका भी रहा होगा, तब आपने भी ऐसे बयान दिए होंगे। देखिए, बीबीसी के जो संवाददाता थे मार्क टली, उन्होंने भारतीय जो राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था, और उन्होंने कहा था कि देश में, इस देश में खास तौर से जो विचारधारा वाले परिवार हैं, विचारधारा है वो चलती है। जैसे कांग्रेस में एक विचारधारा वाला परिवार गांधी परिवार है, बाला साहब ठाकरे वाला भी एक विचारधारा वाला परिवार है, वो भी परिवार राजनीति कर रहा है, वो अपनी विचारधारा से कर रहा है। सर, राहुल तो की विचारधारा, बिल्कुल विचारधारा क्या कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएगी? एक बिल्कुल बढ़ाएगी, और मैं आपको निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ। लोग ऐसी बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं रुक रहा हूँ। ओम सैनी जी, मेरे पास वक्त कम है, ओम सैनी जी फाइनल कमेंट में आपसे सिर्फ एक लाइन में चाहूंगा सर। वंशवाद की बात करेंगे तो वसुंधरा राजे विजय, सर पूरा एक घंटा निकल गया सर, उस दौरान आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, राजनाथ सिंह सब, ओम सैनी जी, क्या राहुल गांधी को इस चीज का फायदा मिलेगा कि बीजेपी ने जो वादे किए थे, अब धीरे धीरे वादों से जनता का जो एतबार है वो कम हो रहा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की ताजपोशी हो रही है, तो राहुल गांधी के लिए एक सही मौका है? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोमिसेस किए थे 2014 में, प्रधानमंत्री ने जैसे वादे करके आए थे कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में होंगे और बेहतर जिंदगी का जो वादा किया था पूरा ना करना, तो राहुल गांधी विकल्प के रूप में स्थापित हो रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कि हिमाचल के चुनाव और साथ साथ में गुजरात के चुनाव कुछ संकेत देंगे। ठीक है सर, तो, लेकिन आपको लगता है कि अब राहुल गांधी को जो डिस्टेंस स्टाइल की राजनीति वो करते हैं, अब उससे उनको परमानेंटली इसमें आ जाना चाहिए? निश्चित रूप से ये संभव ही नहीं होगा कि वो उस तरीके की राजनीति कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो सर? ऐसा हुआ तो फिर भारतीय मतलब फिर उसके बाद में कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस के हाथ। ठीक है, मनीष गोधा जी, क्या ये डिस्टेंस राजनीति करने के बाद भी जो अध्यक्ष वो बन रहे हैं, तमाम चुनावों को हारने के बाद भी वो जो अध्यक्ष बन रहे हैं, उससे क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर एक नई एनर्जी आएगी, और ये एनर्जी क्या आपको परमानेंट नजर आती है, क्योंकि टेम्पररी रिएक्शन तो होते हैं? देखिए, चेहरा बदलते हैं तो कुछ बदलाव तो होते हैं जी, लेकिन और ये उम्मीद राहुल ने तब पैदा भी की थी जब वो उपाध्यक्ष बने थे और जब उन्होंने कुछ नई चीजें करने की कोशिश की थी,
लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से उन्होंने वापस पुरानी लीडरशिप को तवज्जो देनी शुरू की है और जो जो कुछ भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, उससे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। चेहरों के स्तर पे मैं बता रहा हूँ, उनकी टीम के स्तर पे कुछ एक चेहरे बदल सकते हैं, रहेगी और करने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल बदल जाएगा, और काम करने का स्टाइल भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बदलने वाला है। हाँ, एक एग्रेसिवनेस, क्योंकि आप अध्यक्ष की कुर्सी पर होते हैं तो वो अपने आप एक आती है। सर उसके लिए क्या बार बार दो महीने बाद विदेश जाना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, उस तरह का यदि वो करेंगे तो वो फिर वास्तव में फिर वो ठीक है सर, तो जैसा ठीक है ठीक है। मनीष गोदा जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ओम सनी जी आपका भी, लक्ष्मीकांत जी आपका भी, और अजीत आजाद जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई में कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन कह सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी आसीन हो रहे हैं और उनको फायदा ये भी हो रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो वादे किए थे उन पर जनता, फिर चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर बाकी के फैसले हो, उनका थोड़ा असर तो पड़ रहा है, यानी कि संवेदनाएं राहुल गांधी के साथ बनती जा रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और नए नए जुमले वो भी गढ़ रहे हैं, उसका फायदा भी उनको हो रहा है, लेकिन क्या ये परमानेंट है, सवाल यही है। चलते चलते एक गाने के साथ आपको छोड़कर चलते हैं, थोड़ा एहसास होगा वंशवाद है तो गाना भी कुछ वैसा ही। नमस्कार।